हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपना घर क्यों ख़रीदना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन या मनी मैनेजमेंट के ऊपर कई वीडियो की सीरीज़ बना रहा हूँ। तो जैसे मैंने इससे पिछला वीडियो बनाया था कि किराए के घर के क्या फ़ायदे होते हैं, तो अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अपने घर के क्या फ़ायदे होते हैं। तो हो सकता है शायद कुछ लोगों के समझ में आए। जिन लोगों के अंदर पेशेंस है वो मेरे चैनल पर आ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप लोग इस चैनल से डिसलाइक करके निकल जाओ, ठीक है। तो दोस्तों, अपने घर के सबसे बड़े फ़ायदे क्या होते हैं, तो आप लोगों को याद होगा कि हम जब स्कूल में मकान के ऊपर ऐसे लिखते थे, प्रस्ताव लिखते थे, तो हम लिखते थे कि भी मकान एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने कुदरती आपदाओं से बचाता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें गर्मियों में धूप से बचाता है, गर्म हवाओं से बचाता है, सर्दियों में शीतलहर से बचाता है, हमारे को सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे घर में हमारी जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित रहती हैं, चोरी का डर बचता है, और धरती पर मौजूद रहने वाले हर जीव अपना एक आशियाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब बेकार की बातें हैं। हमें अपने घर का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि देखो, आपके पास अपना घर होगा तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप चाहे अंदर से जितने मर्जी निकम्मे निठल्ले अनटैलेंटेड हो, पर आपका अपना घर है तो आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि लोग आपको काबिल समझेंगे। आप अपने आप को काबिल दिखा सकते हो कि भी मैंने अपना मकान बनाया है, और आपके ही जैसे लोग आपकी तारीफ़ें करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया अपने घर का। दूसरा अपने घर का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आपके पास अपना घर है, चाहे बाप दादाओं का हो जिसे पेरेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं, या आपने कुछ भी जुगाड़ करके ईएमआई वगैरह बना करके अपना घर बनाया है, तो उसका फ़ायदा एक ये होगा कि यार ये डोडो ने बड़ा परेशान कर रखा है। तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको अच्छा खासा दहेज मिलेगा। तो आप अपना घर जो है वो ले करके अच्छे खासे दहेज की डिमांड कर सकते हैं, आपको अच्छे रिश्ते आएंगे। एक और फ़ायदा मैं आपको अपने घर का गिनवाता हूँ। आप अपना घर खरीद करके समाज में अपना रुतबा कायम कर सकते हो, लोगों को नीचा दिखा सकते हो, आपके दिखावे में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है, तो ये भी एक आपके अपने घर का फ़ायदा है। दूसरा, आप अपना घर खरीद करके देश की भी मदद कर सकते हो। कैसे मदद करोगे देश की? जैसे कि आप जब भी कोई अपना घर खरीदते हो तो आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हो, तो रजिस्ट्री करवाने के नाम पर आप 6-8% या किसी किसी केस में 10% तक भी आप जो स्टैम्प ड्यूटी देते हो, जिसका आपके जीवन में कोई आपके काम नहीं आता है, पर वो स्टैम्प ड्यूटी के नाम पे आप अपने उस घर की कीमत का 8-10% सरकार को देते हो, जिससे कि देश की तरक्की होती है। तो आपको ये भी एक फ़ायदा हो सकता है कि आप देश की तरक्की में योगदान दे रहे हो, ना चाहते हुए भी, ठीक है जी। दूसरा, आप देश की एक और मदद कर रहे हो, जो देश में बैंक हैं, तो आप घर को लोन पर ले करके बैंकों को ब्याज दे करके 15 साल के लिए अपने आप को गिरवी रख करके कमिटमेंट करके कि मैं भूखा मरूं, मैं मरूं जीऊं, अगर मैं मर भी गया तो मेरा जो को एप्लीकेंट है, वो चाहे मेरे माँ बाप हैं या मेरी बीवी है या मेरे बच्चे हैं, वो जैसे तैसे भीख मांग के आपका कर्जा उतारेंगे। और इस तरह का आप कमिटमेंट करते हो और बैंक को एक ईएमआई के रूप में आप एक ब्याज भरते हो। जो घर आपका 40 लाख का होता है, 15 साल बाद जब वो आपको पड़ता है, आप ब्याज जोड़ते हो, तो उसमें तो वो 60-70 लाख का हो चुका होता है। तो एक तो ये आपका फ़ायदा होता है कि आप बैंकों के उद्धार के लिए भी आप काम कर सकते हो। दूसरा, जो बेचारे प्रॉपर्टी डीलर है, जो जीवन में एक ऐसा पेशा है कि और कुछ तो आता नहीं है, तो चलो प्रॉपर्टी डीलर बन जाते, हींग लगे ना फिटकरी रंग चौका, तो वो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, जो ज़मीनों के दलाल होते हैं, मकानों के दलाल होते हैं, आप उन लोगों के लिए भी भलाई का काम करते हो। चाहे वो आज की डेट में कॉरपोरेट में उसको 99 एकड़ या मैजिक ब्रिक बोल लो आप, मकान.com बोल लो, या आप वो जो घूमते रहते हैं सफ़ेद जूते, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद कमीज पहन के प्रॉपर्टी डीलर, उन लोगों के लिए भी भलाई का
का काम करते हो, क्योंकि उन लोगों को आपसे दलाली मिलती है मकान बेचने खरीदने पे, उनको कमीशन मिलता है, जिसे हिंदी में दलाली कहते हैं। तो आप उन लोगों का भी घर चला रहे हो, तो एक तो आपके मकान खरीदने का ये भी फ़ायदा है, दूसरा आप उन बिल्डरों के लिए भी काम कर रहे हो, उन पेशेवर लोगों के लिए भी काम कर रहे हो। जब आप फ्लैट खरीदते हो तो वो जो बिल्डर है, जो मतलब सरकार की नीतियों को तरोड़ मरोड़ करके जैसे तैसे करके आपको एक मकान देता है, तो उसका मकान तो फंस जाएगा बेचारे का, वो कैसे मर्सिडीज़ बीएमडब्ल्यू खरीदेगा, वो कैसे विदेश टूर करेगा। तो आप जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, या छोटे बिल्डर भी लगा लो या बड़े बिल्डर भी लगा लो, आप उनकी भलाई के लिए भी काम करते हो। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो देखो दोस्तों अपना मकान खरीदने के आपके पास कितने फ़ायदे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आपके बच्चों की शादी की उम्र है, तो आपका पास अपना मकान होगा तो आपको दहेज अच्छा मिल जाएगा, आप मुंह फाड़ करके दहेज मांग सकते हो, समाज में दिखावे का काम कर सकता है आपका मकान, आप सरकार को अपने मकान की टोटल कीमत का 8-10% तो तुरंत ही सरकार को पहले ही दे देते हो ताकि सरकार भी तरक्की कर सके, बैंकों को आप ब्याज भरते हो ताकि बैंक तरक्की कर सके, आप दलालों को कमीशन देते हो ताकि उनका घर चल सके, आप जो बिल्डर हैं उनका घर चलाने के लिए काम कर रहे हो, आप अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखा सकते हो, आप शादी में बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, मेरा अपना मकान है, उस मकान के नाम अंदर फिर आप इंटीरियर खरीदने के नाम पर आप कितना सामान ला करके कचरा भर लोगे कि आप अपने घर में चल नहीं सकते हो, ये आपको एक फ़ायदा होता है। दूसरा एक फ़ायदा ये होता है कि फिर उसका आप अब इतना खर्चा किया है तो मुहूर्त तो करोगे ही, लोगों को दिखाओगे कैसे, तो आप लगभग एक शादी के तरीके का मुहूर्त करते हो। बहुत ही तेज़ तूफान आ गया है, और देखो दोस्तों तो बहुत ही तेज़ तूफान आ गया है, पर हम अपनी बात कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मकान आपको बहुत सारा दिखावा करता है, आप हवन के नाम पे लोगों को बुला के चमका सकते हो, अपने रिश्तेदारों को नीचा दिखा सकते हो, उस पंडित की जेब गर्म कर सकते हो जो हवन के नाम पे पैसा बटोर के जाएगा, और आप लोगों इसलिए हवन करवाते हो, आपको हवन वगैरह कोई घर के शुद्धि के लिए नहीं कराना होता है, आपको असली फ़ायदा ये होता है कि उसके बहाने आप लोगों को दिखा सकते हो कि मैंने कौन सा डाइनिंग टेबल खरीदा और कौन सी टाइलें खरीदी है। तो दोस्तों अपना मकान खरीदो, अपने आप को गिरवी रखो, अपने आप को लोन लेकर के ईएमआई के नाम पे बेच दो, रिश्वतखोरी करो, बेईमानी करो, अपना मकान खरीदो और अपने आप को काबिल साबित करो, ये आपको फायदा होता है, और अपना मकान खरीदो और अपनी जिंदगी को झंड बना डालना। ओके, गुड बाय, थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको ये मकान के फायदे बहुत काम आए होंगे, और देखो मैं अपने मकान में कितने फायदे होते हैं, तो आप लोगों को अपना मकान खरीद लेना चाहिए, लोन लेकर के खरीदो, पैसा नहीं है उधार ले लो, ब्याज में पकड़ लो, घर का सोना बेच दो, नौकरी में बेईमानी करनी शुरू कर दो, 15 साल ईएमआई के लिए फिर आप जग मारते रहो, बहुत सारे फायदे हैं। पर किसी भी हालत में दोस्तों अपना मकान खरीद लेना, अपना मकान खरीदने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा, दुनिया में आपको कामयाबी की नज़र से देखा जाएगा। ये वीडियो यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, बारिश बहुत तेज़ आ रही है, पूरा फ़ोन गीला हो गया।